हेलो भाई, मुबारक आज आपके सामने हाजिर है भाई फोक्सवैगन की मोस्ट वीवीवीवीआईपी गाड़ी भाई इन डिटेल। मतलब मैंने आपको इसकी डिलीवरी वगैरह सेरेमनी दिखा दी, किस तरीके से पूरा सिस्टम इसका चलता है। आपने पर्दा ढका हटा दिया, केक काट लिया, सारी चीज़ हो गई। उसके बाद जब आप इसको घर ले आते हो, शोरूम से बीच की जो जर्नी होती है ना, वो असली आपको मजा दिलाती है इस गाड़ी के अंदर। ये भाई फोक्सवैगन की वर्टस जो साथ में आई है इंडिया 2.0 इनके प्रोग्राम के अंदर, दूसरी गाड़ी। स्कोडा ने अपनी लॉन्च करी थी खुशेक, उसके बाद निकाली सलाविया, और ये जुड़वा भाई बहन है भाई, तो एक साथ गाड़ियाँ लॉन्च करते रहते हैं। तो वहीं फोक्सवैगन ने टाइगून निकाली, तो इन्होंने वर्टस निकाल दी फोक्सवैगन ने अपनी सेडान के अंदर। अभी भाई मतलब सलाविया में इतने सारे वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन फोक्सवैगन वालों ने सोचा कि यार हम कम ही वेरिएंट्स रखेंगे अपने में ना, ज़्यादा वो ताम झाम लाइन वाइन कुछ रखना नहीं है। तो इसमें ना ज़्यादा कुछ वेरिएंट आते नहीं है। एक सबसे बेस मॉडल अगर आप चाहते हो तो वो कम्फर्ट लाइन आप ले सकते हो, उसके बाद आता है आपका टॉप लाइन, और तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है जी टी प्लस, जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और जो कि मोस्ट पावरफुल है। मतलब इससे ऊपर, इससे पावरफुल इस वर्टस वगैरह में कुछ भी आपको देखने नहीं मिलता है। और इसकी पहचान आप कैसे करोगे पता है? वो करोगे भाई इस तरीके से, जीटी से। अभी सामने से थोड़ा मेरे को लगता है कि भाई थोड़ी सी कसर रहेगी, क्योंकि इसमें जाल वाल से कुछ ज़्यादा लगते हैं, स्पेस वगैरह आपको ज़्यादा दिखता है। लेकिन जब आप साइड में आते हो ना, वहाँ पे इसकी जो लुक निकल के आती है ना, वो नेक्स्ट लेवल है भाई। देखो कितनी लंबी है ये गाड़ी, आपको इतना मज़ा देते है। लेकिन एक चीज़ जो थोड़ा सा मेरे को छोटी छोटी लगती है ना इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से, जो इतनी लंबी है, उस थोड़े से अलॉय व्हील्स हैं भाई। इसमें आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स ही मिलेंगे, और पियानो ब्लैक फिनिश में है। ये देखिए गुडियर का टायर अभी फिलहाल इस वाली गाड़ी में है, और इनकी प्रोफाइल है 205/55R16 की प्रोफाइल आ रही है। 5 नट आते हैं, देखो इनकी ये चीज़ तो अच्छी लगती है कि भाई नट थोड़े अलग तरीके के हैं। चोरों को थोड़ा सोचना पड़ेगा फोक्सवैगन गाड़ी चुराने से पहले। रेड कैलिपर एक कंपनी से सारा कुछ स्टॉक आता है, यहाँ पे भी आपको जीटी की बैजिंग मिल जाती है। और अगर आप पीछे की साइड आते हो ना, वहाँ पे आती है इसकी मेन रियल लुक निकल के। देखिए कि आजकल जो नया ट्रेंड चला है वर्टस लिख के, जो यहाँ पे स्पेस दे के आता है वो यहाँ पे लिख के आ रहा है, जीटी की बैजिंग आपको यहाँ पे मिलती है। लेकिन जो फॉन्ट है ना, ये गंदा सा है यार, ये बड़ा ऐसे ओल्ड स्कूल टाइप सा है, ये थोड़ा इंप्रूव हो सकता था। और खास चीज़ पता है इस गाड़ी के बारे में क्या है, वो भाई इसका बूट स्पेस। इसमें आपको 512 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, मतलब कितने ही बैग ढो लो इसके अंदर, कितने कुछ कह लो। और सबसे खास बात पता है, वरना में आजकल बहुत वेटिंग चल रही है, इसमें वरना में तो आपको स्पेस नहीं मिलता बैठने के लिए, लेकिन इसमें स्पेस भी पूरा है, और आपको जो बूट स्पेस मिल रहा है वो भी खूब बढ़िया मिल रहा है। लेकिन भाई ये फोक्सवैगन ना जो 2.0 प्रोग्राम है, इसमें फिट एंड फिनिश में ना अभी भी कसर छोड़ रही है। जैसे आपको ये देखिए यार, कोई हम एक्सपेक्ट थोड़ी करेंगे, 20 लाख रुपये की गाड़ी है यार, मैं 50,000 रुपये कम ही बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपये की मान लो अगर आप सब कुछ ले लेते हो इसको, भाई ये फिट एंड फिनिश होती है क्या है फोक्सवैगन? मतलब ऐसे कुछ भी काट रखा है, चलो ये तो अच्छी चीज़ है कि आपने पूरा प्लास्टिक लगा रखा है, कपड़ा नहीं है, लेकिन ये चीज़ पसंद नहीं आई यार। कोई रिश्तेदार कल को हमारा गेट खोले भाई उतर के, वो क्या देखेगा कि भाई देखना इस तरीके की फिट एंड फिनिश है इनकी गाड़ी में, वैसे बाहर से तो इतनी वीआईपी से लगती है। पर चलो ठीक है यार, आप उतार लेना अपने केले सेब अमरूद जो भी आप लेके जाते हो, फर्स्ट एड किट वगैरह तो ये लोग दे रहे हैं। प्लस ये कार कवर वगैरह जो आता है आपको एक्सेसरी से लेना पड़ता है हर कंपनी के लिए। ये देखिए फर्स्ट एड किट आपको मिलती है, और अगर आप अंदर जाते हो तो आपको मिलता है एक स्टील रिम। हाँ जी भाई, ये आपको अपोलो का मिलता है, मतलब वही है, बाकी टायर से साइज भी कम है देखिए, लेकिन इसकी प्रोफाइल वही है 205/55R16 की। तो बाकी जो चारों टायर से इसमें कोश कटिंग नहीं करी है कि भाई 15 इंच लगा दिया, अगर इसमें 15 इंच लगा दिए गए तो लुक कितनी ख़राब हो जाती भाई, वो आप आइडिया खुद ही लगा सकते हैं साइड से इन अलॉय व्हील्स को देख के। बस यही थोड़ी सी कमी सी लगती है बस इस गाड़ी के लुक के हिसाब से, यही थोड़े छोटे से लगा दिए इन लोगों ने, पर चलो ठीक है भाई। अभी यहाँ पे देखो आप, इस तरीके की लाइट्स के अंदर आपको मिलते हैं, पूरा सेटअप आपको मिलता है भाई अपना LEDs का। यहाँ पे आपको LED मिलती है, आपकी DRL मिलती है, क्रोम आ रहा है पूरा जो कंटिन्यू होता है। और यहाँ पे देखिए आपको इंडिकेटर में थोड़ा अलग टाइप का रिफ्लेक्टर लगा रखा है, इसमें पता नहीं चलता बल्ब कहाँ पे जल रहा है, अंदर ही अंदर चलता रहता है। लेकिन ये LED भी नहीं है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का ही आपको सेटअप इसके अंदर दिया गया है। यहाँ पे इसके फॉग लैंप आते हैं जो कि हेलोजन है यहाँ पे कलर में, तो यहाँ पे हेलोजन मतलब फॉग के हिसाब से देखा जाए तो ठीक रहते हैं। यहाँ पे भी पूरा क्रोम दिया गया है, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी ठीक है, 180mm के लगभग आपको मिल जाती है। ये सेगमेंट ना वही है भाई, ज्यादा जा रहा है आजकल। देखो आपको ये जो सेक्टर्स वगैरह है सब में क्रेटा व्रेटा और जो ऊंची टाइप की सेल्टोस वेल्टोस है ढाई देखने के लिए मिलती है, बहुत कम होते हैं। जो शौकीन बंद होते हैं आजकल वही सेडान्स की तरफ जा रहे हैं, जो परफॉर्मेंस चाहते हैं, फन चाहते हैं अपनी गाड़ियों में, वही केवल ये फोक्सवैगन की वर्टस वगैरह निकाल रहे हैं। वरना कोई ब्रांड आप देखोगे, जैसे किया की कोई सेडान नहीं है, महिंद्रा की कोई सेडान नहीं है, वेरिटो आई करती थी उसका तो नाम ही ना ले तो वो अच्छा है, टाटा की है उन वो टिगोर विगोर से ऊपर कोई ऐसे ढंकी सी, इस जो डी सेगमेंट की हम बात करते हैं वहाँ पे कोई भी सेडान नहीं है। तो सेडान के मामले में बहुत मैन्युफैक्चरर्स बहुत नीचे हैं, कंपनी SUVs कॉम्पैक्ट SUVs पर ध्यान दे रही है, लेकिन इनको कस्टमर नहीं है तो फिर कौन ही खरीदेगा। और बहुत सी तो कंपनियाँ ऐसी भी रेनो जैसी जिनका ध्यान SUVs की तरफ है ही नहीं, जैसे क्रेटा सेल्टोस की टक्कर की वो चाहें तो कितनी बढ़िया गाड़ी उतार सकते हैं, लेकिन नहीं भाई हमको जरूरत ही नहीं है ना, होंडा को पड़ी है फोर्ड तो ही हमारा भाग ही है। ऐसी कुछ चाबी मिलती है यहाँ पे देखिए, फ्लिप की आपको मिलती है, लॉक अनलॉक के लिए बटन दिए गए हैं, और इस वाले बटन को अगर हम दबा के रखते हैं तो आपका जो बूट है
अपने आप रिलीज हो जाता है। इलेक्ट्रिक नहीं है, बस वही है, वहाँ से लोग हट गया तो अपने आप उठ जाएगा, वो वाला सिस्टम है। ये देखिए इस तरीके से लगा दो अपना, सही है। तो मैं फिर से करके दिखा दूँ एक बार, क्योंकि उठते हुए देखने में मज़ा आता है। यहाँ पे देखिए भाई, इस तरीके का आपका पाइप कैसे बांध रखा है, देख रहे हो, फिट एंड फिनिश देख रहे हो ना भाई। ये सब चीज़ आपको निकलती हुई दिखती हैं आपकी गाड़ी के अंदर, क्योंकि ठीक है भाई यार, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें तो अब आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब इनकी गाड़ी थोड़ी सी सस्ती के चक्कर में ये लोग भी थोड़ा सा ऐसे क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है भाई, ये जर्मन गाड़ी है, तो यहाँ पर भी आपको एक कीलेस एंट्री यहाँ पर दी गई है फोक्सवैगन के द्वारा। एक पैसेंजर साइड भी है और एक वो भी है। तो इस चाबी का जो ये फ्लिप की वाली ना, इसका कोई काम नहीं है। ये महिंद्रा टाटा तो चलो नहीं देती, वो तो छुपा के देती है। ये फोक्सवैगन और स्कोडा पता नहीं कब सुधरेंगे, फ्लिप की क्यों ही देते, इसको छुपा के दे दो ना, जैसे इसके अंदर आप छुपा सकते हो छुपाने को, लेकिन नहीं, हमको तो दिखानी है। अगर हमने कहीं पर रख रखी है तो हमको दिखेगा कि भाई ये बेस मॉडल है क्या जिनकी फ्लिप की है। बड़े हो जाओ थोड़े से यार, आप अच्छे नहीं लगते, छोटे बच्चों वाली हरकतें ना किया करो। फोक्सवैगन स्कोडा महिंद्रा अपना फ्लिप की जगह कुछ अच्छी चीज़ में भी वो करो। इतनी स्टाइलिश गाड़ी बना दी, इतना मस्त रेड कैली पर पेंट कर दिया आपको, ये थोड़ा सा नहीं लगा कि भाई चाबी भी हम थोड़ा सा कर देते हैं, सनरूफ वगैरह सब कुछ दे दी गाड़ी में। यहाँ पे देखिए क्रोम वगैरह पूरा जा रहा है यहाँ पे अपना। ये वोक्सवैगन पढ़ते हैं बहुत लोग उसको, लेकिन ये होता फोक्सवैगन। अब भाई ब्रांड ना पता है वही है, कुछ भी नाम बना लो अपना, पूरी मनमर्जी चलती है। टाइम से इसको अपना खोला नहीं तो अपने आप बंद हो जाते हैं, ऑटोफोल्ड वाले मेरे से इसके अंदर आते हैं। ब्रांड है भाई अपना, कुछ भी नाम रख लेते हैं, पढ़ने को तो ये वोक्सवैगन ही आएगा ना, लेकिन कहते हम तो फोक्सवैगन कहो हमसे अगर आप कहोगे तो आप हमारे जो फैंस हैं, हमारे जो लोग हैं, उनकी नजरों में आप अनपढ़ कहलाओगे अगर आप इसको वोक्सवैगन जगह फोक्सवैगन नहीं पढ़ोगे तो। और रही बात ब्रेक्स की, तो भाई आगे आपको मिल रही है इसके अंदर डिस्क ब्रेक, और पीछे अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे भाई ड्रम ब्रेक्स दे रखे हैं, लेकिन गाड़ी मैंने चला के देख रखी है भाई, ब्रेक सोलिड है। चलो भाई अब बहुत बातें हो गई, अब इसके इंटीरियर में मैं लेके चलता हूँ। जो इसकी मेन चीज़ है यहाँ पे देखिए, लेदर की कुछ इस तरीके की सीट्स हैं, और आप क्वालिटी देख सकते हैं, मतलब इतना एकदम प्रीमियम वाला लेदर नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, लुक्स वाइज देखो तो गाड़ी मेरे को बहुत पसंद आई है। और यहाँ पे अगर आप डोर फिनिश की बात करते हो, डुअल टोन में दी गई है, 20 कलर का इंटीरियर, ब्लैक कलर का इंटीरियर है, तो इसके अंदर बैठते हैं, हाइट एडजस्टेबल सीट आती है, पूरा मैनुअल वाला सेटअप है। इसमें इंजन के पैसे हैं भाई इस गाड़ी के अंदर ना, और किसी चीज़ के पैसे और भी चीज़ों के हैं। जैसे इसके इंटीरियर आप देखोगे कितना स्टाइलिश दिखता है, इसका पुश स्टार्ट बटन आपको मिलता है यहाँ पे, इसको मैं दबाऊंगा, ये देखो भाई यार गाड़ी में ना इंटीरियर से इतनी गजब की फील है ना, ऐसे लगता है कोई स्पोर्टी कार में आप बैठ गए हो। प्लस वेंटिलेटेड सीट्स के साथ आपको सनरूफ भी मिल रही है, बड़ा एयरी सा फील होता है, क्योंकि इसकी विंडशील्ड इतनी बढ़िया तरीके से डिजाइन है गाड़ी एरोडायनामिकली अगर बात करते हो, ऐसे चीरती हुई जाती है हवा को भाई। 147 bhp लगभग पावर मिलते हैं, 150 मान लो भाई कम नहीं होती, 250 Nm का टॉर्क कम नहीं होता। ये देखिए ना मीटर इसका पूरा डिजिटल आपको मिल रहा है, इसके अंदर आपको सारे सही फीचर मिल जाते हैं। अच्छा ये इंटीरियर ना वही स्कोडा सलाविया और इसमें सेम सा ही मिलता है आपको, बस यहाँ पे डिफरेंस देखने में मिलेगा। वो ये ना किया सेल्टोस और क्रेटा की तरह भाई, ये भाई बहन है तो सारा कुछ शेयर करते हैं, चाहे आप इसकी बात कर लो चाहे इसकी बात कर लो, हर चीज़ आपको ना एज इट इज सेम ही मिलती है, बस डिज़ाइन का बाहर बाहर से फर्क है। पार्ट शेयरिंग इन गाड़ियों के अंदर स्कोडा और फोक्सवैगन में भरी पड़ी है, चाहे आप कुछ की बात कर लो चाहे आप बात कर लो आपकी टाइगून की। अभी देखो चारों पावर विंडो आपको यहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे ओआरवी में एडजस्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। ये वाली चीज़ सबसे प्रीमियम लगती है भाई फोक्सवैगन की, जो भी ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं लोकल लोग आप कर सकते हो। यहाँ से जर्मन गाड़ी तो लाइट वगैरह आप जलाओगे, यहाँ से आप अपना दोगे भाई, ये अपना वाइपर चलाने का पूरा सिस्टम है। वाइपर में थोड़ी कॉस्ट कटिंग है, जिस मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो आप इंडिकेटर वगैरह दे सकते हो। और एक और चीज़ बताऊँ भाई, इसका गियर नो बड़ा प्रीमियम लगता है मेरे को, जो इसमें लाइट जलती है ना ये अंदर की साइड देखो, और एन पे लाइट जल रही है, ड्राइव मोड हो गया, एस मोड हो गया। और भाई फोक्सवैगन की मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ये ना केवल आपको जैसे मैंने बताया तीन वेरिएंट में आती है, ये वाली पर्टिकुलर जो टॉप वेरिएंट है जीटी प्लस, इसमें केवल एक ही वेरिएंट आता है, ये 1.5 लीटर वाला, वो चलो इंजन की मैं बाद में बात बताऊंगा, लेकिन इसमें आपको अगर जीटी प्लस में टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस वाली चाहिए तो आपको ऑटोमेटिक ही लेना पड़ेगा, आपको मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलता। इसकी बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पे इससे यहाँ से कंट्रोल होते हैं आपके, ये यहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता चलती है, ऑडियो टेलीफोन स्पीड, इसको आप क्लोज भी कर सकते हो। अगर आप नो डिस्प्ले में जाओगे तो यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं आएगी, केवल स्पीड बताएगा, लेकिन अगर आप चले जाते हो इसके अंदर ड्राइविंग डेटा आपको बीच में बताएगा, मतलब बीच में जो सेटिंग है वो आप छेड़ सकते हो, आपको बीच में क्या चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, एवरेज इकोनॉमी चाहिए। भाई 150 bhp तो बहुत कम माइलेज आप इससे एक्सपेक्ट करें, क्योंकि अभी आप देखो 4.8 किलोमीटर पर लीटर की सीन स्टार्ट से गाड़ी भी माइलेज दे रही है। ब्रांड न्यू गाड़ी 540 किलोमीटर अभी तक कुल चली है, और यहाँ पर रेड से इसका काफ़ी मस्त लगता है। सेटिंग्स में अगर मैं जाकर दिखाऊँ इसकी सेटिंग कौन कौन सी है,
तो यहाँ पे ड्राइविंग डेट मतलब वो ये आप टिक कर सकते हो कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए। ऐसे कुछ ज्यादा चेंज वेंज करने का तो सिस्टम इसके अंदर है नहीं, लेकिन अगर मैं और अंदर जाता हूँ तो गियर डिस्प्ले, ऑयल टेम्परेचर, ये सारी चीजें काफी कूल लगती है। ऑयल टेम्परेचर आपको बता रहा है कि कितना चाहिए, यहाँ पे आपको बताता है भाई भाई ऑयल टेम्परेचर का कितना चल रहा है, कितने किलोमीटर ट्रिप, ए ट्रिप भी वाला सीन आपको यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे आपको फ्यूल बताता है गाड़ी के अंदर टेम्परेचर वगैरह आ रहा है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम है भाई। यहाँ से वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल करते हो, नेक्स्ट भी यूज करना हो तो यहाँ पे दिया गया राइट साइड, यहाँ पे अपना वॉइस कमांड का हो गया, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के पूरे ऑप्शन मिलते हैं। पेडल शिफ्टर्स भी है गाड़ी में भाई, इतना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी है तो आपको भाई पेडल शिफ्टर्स तो मिलने ही चाहिए, जो मजा दिला देते हैं भाई गाड़ी को भगाने में। बहुत बड़ा डैशबोर्ड है, पूरी फील आ जाती है इसमें आपको, कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह सारे अपना ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसे ऑफ भी कर सकते हो आप डिस्प्ले को, और यहाँ पे इनके मार्केट में अगर हम चलें VW प्ले एप्स में, तो आपने अभी तक लॉगिन नहीं करा वो भी लॉगिन आपको करना पड़ेगा, टक्की सी आवाज आती है। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल वाला भी सिस्टम है, जैसे मैंने यहाँ से ये भी यार डिजिटल ही ऑन हो रहा है, ये थोड़ा सा इसका मैं समझता हूँ कि थोड़ा बटन होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ ना ऐसे मैकेनिकली बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो ऐसे स्क्रीन ऑफ वगैरह आप कर सकते हो, उसको ब्राइटनेस को भी अपना कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन बाकी बहुत सारी सेटिंग है अपना। आप मीडिया में जाओगे, एप्स में जाओगे तो आपको काफी कुछ मिल जाएगा, पूरी आपको बड़ी सी डिस्प्ले मिल जाती है, बड़ी अच्छी खासी बड़ी सनरूफ मिल रही है आपको। यहाँ से आप लाइट्स वगैरह जला सकते हो जो कि LED आ रही है, यहाँ पे IRV में आ रहा है इलेक्ट्रोकॉमिक, और यहाँ पे अगर बात करें कोई भी लाइट आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको एक मिरर जरूर मिल जाता है लेकिन कोई भी लाइट इसके अंदर नहीं है। अगर आप ग्लोव बॉक्स की बात करते हो तो काफी बड़ा मिलता है यार, और हैवी भी बहुत है, मतलब फुल जान से आपका नीचे होता है। ये वही हो गया भाई आपका AC का, जो आपको टच करके कंट्रोल करना पड़ता है देखिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, Volkswagen और Skoda की जो गाड़ियां आ रही है ना इन इंजन के साथ, इनमें भाई अपना AC का बहुत ज्यादा इशू है। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन हो गया, यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो अपना स्टार्ट स्टॉप ऑटोमेटिकली वो वाला सीन है। आपको वेंटिलेट सीट्स भी मिल जाती है वर्टस में, यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। देखो इसके अलावा भाई ये बहुत मॉडर्न हो गए हैं, केवल टाइप सी ही आपको पोर्ट देखने के लिए मिलते हैं फिलहाल। और यहाँ पे देखिए आप वायरलेस चार्ज अपना कर सकते हो अपने फोन को, और यहाँ पे वार बोर्ड का सॉकेट आ रहा है। लेदर की क्वालिटी यहाँ पे काफी अच्छी है, हैंड ब्रेक आपको इस तरीके की मिलती है, दो का फोल्डर आपको मिल रहा है, और यहाँ पे आपको मिलता है इसका आर्मरेस्ट, और जो कि स्लाइड आपका इजीली हो सकता है, और इस पे भी लेदर चढ़ा के Volkswagen वाले दे रहे हैं। एयरबैग भरे पड़े हैं भाई, 6 एयरबैग आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में इसके अंदर मिल जाते हैं। चलो पीछे के साइड चलते हैं, स्पेस की मेन देखते हैं। यहाँ गाड़ी देखने में तो बड़ी अच्छी खूबसूरत सी लग रही है, अभी यहाँ से मैं बंद करके इसको पीछे की साइड लेके चलता हूँ भाई। वैसे ये तेल बहुत ज्यादा पीती है, हम इसको और ज्यादा नहीं पिलाएंगे यहाँ पे। चलो भाई देखो नई नई गाड़ी है, तो यहाँ पे आपको सेलिब्रेशन के लिए भी मिलेगा Volkswagen के द्वारा। अगर आप इसका प्लान बना ले तो आपको ये हमारा रिव्यू देख के पसंद आ जाता है गाड़ी, तो आप जरूर जा सकते हो। ट्विटर आपको मिल रहा है, स्पीकर है इसका, यहाँ पे आपको लेदर मिल रहा है, यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल आपको मिल रहे हैं। पर्दे वर्दे भाई आपको देखो बाहर से लेने पड़ेंगे, आप डिलीवरी वाली वीडियो देख सकते हो, आपको उसमें सारा कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके की लाइट आपको मिलती है इसके अंदर जो कि वाइट है। यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको मिलते हैं इसके दो टाइप सी, दो आगे हैं दो पीछे के साइड आपको दिए गए हैं। स्पेस भाई वरना से तो खूब ज़्यादा है इसके अंदर, और ठीक है मतलब इतना भी नहीं कहेंगे बहुत अच्छा है। मैं तो 6 फीट का हूँ तो बहुत कंफर्टेबली जा सकता हूँ, लेकिन अच्छा है यार, कोई इशू वाली बात नहीं। और लाल लाइट जलती है भाई इसके नीचे, अभी शर्म आ गई मैंने जैसी ये स्टार्ट करी ना, मतलब दिखाने के लिए मेरी नज़र पड़ी एकदम बंद हो गई, यहाँ पे एकदम प्रीमियम सी जलती रहती है। मैं गेट खोल लूँ क्या, हाँ देखो जल गई ना, देखो नटखट है लेकिन मैंने पकड़ लिया, मैंने बंद कर दी, अब बंद हो जाएगी देखना। देखो भाई ये रात को बहुत प्रीमियम लगेगी, मैं बता रहा हूँ, इस पूरे थीम के साथ जमेगी जो इसमें पूरा थीम आता है। अभी नहीं हो रही भाई, अभी किसी बात में नाराज चल रही है। तो यहाँ पे आप देखो वाइट लाइट आपको मिल रही है, और यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है, और आपको बीच में भी एक नेकरेस्ट दिया गया है आपको, और यहाँ पे देखिए पूरा बन जाता है। और तो बाकी सिस्टम सही है यार, सड़ास में एक यही दिक्कत होती है आपको, पार्सल ट्रिप वगैरह जैसे नॉर्मल SUVs में भी रहती है, आपको जिसको सामान वामान लेना तो उतर के जाना पड़ता है, आप डायरेक्टली यहाँ से नहीं ले सकते। जिनमें पार्सल ट्रिप नहीं होती गाड़ी में, उनमें आपका बूट भी अपना होता है, मतलब अपने जब मन करा आपने सामान ले लिया, देख लिया कि सब सही है नहीं है। इनमें थोड़ा सा बूट आपसे अलग रहता है, जैसे एयरप्लेन में कि आपका सामान कहाँ पे पड़ा है आप सोचती रहते उसके बारे में, ऐसे इनमें है आपका सामान नीचे पड़ा था, सेफ तो रहता है लेकिन आपको दिखता नहीं है। तो मेन चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ भाई इस गाड़ी का इंजन जो मेन है, क्योंकि सब चीज़ें तो ऊपरी हो गई भाई। यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके की ब्रेक पेडल और एक्सीलेटर मिलता है, क्योंकि इसमें आपको DSG गियरबॉक्स मिल जाता है, ऑटोमेटिक है भाई ये ऑटोमेटिक। अभी भाई इसमें जैसे मैं आपको बता रहा था ना 3 वेरिएंट आते हैं, तो केवल इसी में ही आपको 1.5 लीटर वाला ऑप्शन मिलता है GT+ में, बाकी दोनों 1 लीटर वाले इंजन के ऑप्शन के साथ आ रहे हैं, जो कितना पावरफुल नहीं है, वो करीबन 115 BHP आपको निकाल के देता है। वो 1000 CC का इंजन है, 1500 CC का इंजन है, तो इसमें ACT टेक्नोलॉजी भी आती है जो आपकी एक्टिव सिलेंडर कहलाती है, और इसमें आपको हाइड्रोलिक्स वगैरह नहीं मिलते हैं। ये देखो भाई 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है,
काफ़ी पावरफुल है। छोटे वाला जो 1000 cc का है वो थोड़ा सा 3 सिलेंडर में पड़ जाता है, उसमें थोड़ी सी पावर कम भी है, थोड़ी भगाने में तो वो 1 लीटर वाली इतनी भगाने में भी पावरफुल नहीं है, लेकिन इसमें ये तो फांस काट देते भाई। अपना बिल्ड क्वालिटी वगैरह की आप बात करते हो तो पहले बहुत भारी हुआ करती थी, भारी तो अब भी है, लेकिन भैया यार अब थोड़ा सा इंडियन भाई कितनी तगड़ी आवाज़ करती है, आपने सुना भैया? अभी इंडियन मार्केट को समझ गए हैं भाई कि भाई किस तरीके का क्या लोग यहाँ पे चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से बनाते हैं। देखो तो यही थी भाई आपकी वायटस GT प्लस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, इसकी कीमत मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पड़ती है 20.5 लाख रुपये हरियाणा रजिस्ट्रेशन के साथ, जो मैंने आपको इसकी जब डिलीवरी हुई थी गाड़ी उसमें बताया था। कैसे लगे आपको सारे फीचर्स? प्लस अगर सेफ्टी वाइज बात करी जाए तो इसमें TPMS से लेके आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, 6 एयरबैग मिल रहे हैं, EBS EBD वगैरह, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल असिस्ट, सब कुछ इसके अंदर, सारे बेसिक फीचर्स प्लस मॉडर्न भी हैं कुछ, सारे दिए गए हैं। आपको गाड़ी खुश रखेगी, कभी नाराज नहीं करेगी, प्लस रात में भी इसका एंबियंस काफ़ी अच्छा लगता है। ये थी भाई फॉक्सवैगन वायटस, वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।